क्यों अजी? साधु महाराज ने आपका नाम अपने हाथों से लिखा है, ये देखिए बाबरा लाल। अजी अठे के लिखा है, मारी समझ में तो कौन नहीं आता। वो मद्रासी में लिखा है ना, महाराज मद्रासी थे, सिर्फ रहते थे द्वारिका में, लेकिन ये देखिए। महादेव आ रहा हूँ। चल भाई चल। और सुन, वो जो नई मूर्तियां लेके आए ना, सब पर से 250 रुपए वाला स्टिकर निकाल देना। हाँ? उसको देख, मैं 10-10 हजार 12-12 हजार में कैसे बेचता हूँ, देख। और सब में से एक एक मूर्ति बाहर निकाल के रख, समझ गया? हाँ। चल, वन एंड ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड। बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था जी, तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट हुई थी। अजी क्या बात कर रहे हो? हाँ, द्वारका के बहुत बड़े सिद्ध साधु पद यात्रा पे निकले थे और दोपहर की कड़ी धूप थी, तो मैंने उनको एक लोटा पानी पिला दिया। बस वो पानी क्या पिलाया, प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे ये मूर्ति दी। और इस मूर्ति के आते ही मेरा नसीब पलट गया। ये भाड़े की दुकान मैंने खरीद ली और भुलेश्वर में 3 कमरों वाला घर ले लिया। विद टेरेस। वाह जी वाह, काजी भाई जी, फिर तो आपकी मूर्ति ना मैंने भेज दो। के बताऊं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं नरक में जाऊं अगर मेरे किशन को बेचने की बात करूं तो? भगवान को बेचो? ये देखो क्या बोल रहे हैं, नटखट लाले कुच्ची कुच्ची। ध्यान से सुनो, इनकी मुरली सुनाई देगी, ये उनका मुरली बजाने का टाइम है। कहीं बोलो जी, श्रद्धा से सुनो। सुनो अच्छा? सुनो, गोकुल की गूंज सुनाई देगी आपको। राजस्थान साईं बाबा, सुना? गोकुल की गुंज सुनी ना? अब आप ये मूर्ति मने भेज दो प्लीज गाजी भाई। अरे इनकी विदाई तो तब होगी जब इनको लेने कोई खास आएगा, सही हकदार आएगा तब। खास? कौन खास जी? जी वो साधु महाराज ने कहा था कि राजस्थान के बहुत बड़े साईं भक्त आएंगे और इनको ले जाएंगे। लो जी, कर लो बात। क्या? वाह, अभी मैं तो हूँ। अरे नहीं, वो देखो हमारी गाड़ी आरजे राजस्थान, और उस पर रोनसाई का स्टिकर भी लगा है जी। बात तो सही है, आपने आपका नाम क्या कहा? भंवरलाल जी। महादेव क्या ये वही है? कौन, कौन? ये वही है। क्या? क्यों अजी? साधु महाराज ने आपका नाम अपने हाथों से लिखा है, ये देखिए भंवरलाल। अजी अठे के लिखा है, मारी समझ में तो कौन नहीं आता। वो मद्रासी में लिखा है ना, महाराज मद्रासी थे, सिर्फ रहते थे द्वारिका में, लेकिन ये देखिए। अरे भाई वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो आपकी हो गई, असली हकदार तो आप निकले। कांजी मुफ्त। भंवरलाल जी, आप सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो। मैंने कहा इस मूर्ति के पैसे मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो साधु जी को तो देने पड़ेंगे ना। हाँ जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। ये लो जी, ये 100 रुपए जी। सिर्फ 100 रुपए? महादेव, महादेव ये भक्ति का काम है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जानता है ना मेरे पास उस दिन कितने थे? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए थे, याद है ना? तो मैंने क्या किया, ऐसे ही 5 तोले की सोने की चेन पहनी थी, निकाल के सीधा त्याग कर दिया। ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम। वाह जी वाह, क्या बात करो जी, मैं तो सोने की चेन के साथ साथ अपनी गुठी भी उतार के रख देता हूँ जी। ये होता है, ये होता है। हल्के हो जाओ, और हल्के हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय।